सर आज इतना ग्राम आए हुए हैं परिवार के द्वारा सर विस्थापित परिवार को इतने वर्ष हो गया दिया गया है। देखिए आज हम लोग इंदिरा ग्राम कुर्सेला प्रखंड में वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 इसमें भी काफी लोग गंगा के कटाव से कोसी के कटाव से पीड़ित थे और लगातार हम लोग अभी विस्थापित पे काम भी कर रहे थे और 4 साल हो गया, 4 साल में इसी काम में लगे कि विस्थापित को कैसे स्थापित करें। खासकर बरारी विधानसभा में हम लोगों ने कैंप लगा करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और वो खुद स्वतः आए भी थे और उन्होंने उनके द्वारा हम लोग शुरुआत की। बाद में हम लोग कैंप लगा करके लगभग 6,000 लोगों को विस्थापितों को बासगीत पर्चा का लाभ उनके वार्डों में जाकर दिया जी। कुर्सेला के लोगों को भी हम लोगों ने वहाँ एक शुरुआत की लेकिन एक बारी भारी संख्या में जो लोग विस्थापित हैं उसको पर्चा का लाभ नहीं मिला था। हम लोगों ने कुर्सेला प्रखंड में भी लगभग 1,000 लोगों से ज़्यादा जो विस्थापित परिवार थे उनको हम लोगों ने सूचीबद्ध करा करके उनका वार्षिक पर्चा बन के तैयार है और अभी हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से बात किया कि यहाँ पे भी कैंप लगा करके हम लोग बांटेंगे तो 25 तारीख का टाइम दिन तिथि मुकर्रर हुआ है। हम लोग उस दिन यहाँ कैंप लगा करके सभी बहनों से सभी भाइयों से भी आग्रह किया है कि आप अपना अपना आधार कार्ड लेकर आइएगा और जिनका नाम होगा या इस हम लोगों ने देखा बरारी में कुछ लोग जिसके पति के नाम से है कुछ पति लोग हमारे भाई लोग दिल्ली पंजाब खटने चल जाते हैं तो वैसे लोगों को पहला दिन नहीं मिल पाया था। फिर हम लोग जिला पदाधिकारी से बात की कि पतिदेव यदि बाहर में काम कर रहे हैं यदि हमारे कोई भाई बाहर में काम कर रहा है और अभी नहीं है तो उसके पति को पत्नी को उसके पत्नी को बासगीत पर्चा का लाभ मिले तो हम लोगों ने उसको दिला भी दिया। यदि कुर्सेला में भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे होंगे तो उनको भी यदि पति भाई बाहर है तो पत्नी को उसको हम बासगीत पर्चा कर देंगे। पति पत्नी दोनों मर गया क्योंकि बहुत लंबा समय से मिला नहीं था ना तो उसके परिवार में वंशावली बना के उसके बेटे को देंगे तो या पति है किसी कारण से बाहर है पत्नी है किसी कारण उसका बन गया किसी कारण से बाहर है तो वैसे सभी को हम लोग उस दिन मिला करके सारा समस्या को हम लोग निष्पादित करेंगे और आने वाला समय आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः इन लोगों ने कसम खाया है कि एक एक जनता की जो हमको बसाया है जमीन का पर्चा दिया है आवास का सूची देने जा रहा है आवास मिलने जा रहा है अनाज दे रहा है प्रत्येक महीना फ्री में और आप तो प्रधानमंत्री ने कह दिया 5 साल और फ्री में देंगे तो हर महीना फ्री में राशन की राशन मिल रहा है अब आवास का कागज आवास मिलने जा रहा है बासगीत पर्चा मिल जाएगा तो सब काम तो सरकार कर ही रही है। तो हम लोग 25 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में सरकार बनेगी 25 में स्थानीय यहाँ जो भी विधायक हम लोग होंगे जीत के जाएंगे तो उसको ये लोग बक्सा भरेगा तो बहुत तरह की बात है। लोग विपक्षी का कुछ पास तो एजेंडा न मुद्दा न भीजन है कुछ काम करना है नहीं लखा मखा कुछ न कुछ कान में बोलने जा रहे हैं तो उसका कान फुसवा कान में बोलने सब दाल गलने वाला नहीं है। जो काम किया है जो काम करने वाली सरकार है और जिसके नेतृत्व में काम हो रहा है तो वो सब पुनः 2025 में 2025 फिर से नीतीश होगा। दूसरी एक समस्या है आई है हमारे पूरे बिहार में जीविका दीदी जिनके नेतृत्व में बिहार में काम इतना नीतीश कुमार जी ने आगे महिलाओं के आगे बढ़ाया है जो कुछ मांग है हमको लगता है मांग अच्छा मांग है इस मांग का हम समर्थन करते हैं कि दीदी लोगों को इनको जो काम है क्योंकि दीदी लोग ही ना बक्सा भरती है तो जीविका दीदी को धन्यवाद है मांग रखना चाहिए मांग नहीं रखिएगा तो कैसे पूरा होगा। लेकिन सब मांग है कुछ मांग है कि हो सकता है नहीं पूरा हो लेकिन मांग होगा मांग है तो पूरा भी होगा और नीतीश कुमार जी ने किया है नीतीश कुमार जी ही करेंगे और आगे भी नीतीश कुमार जी रहेंगे तो जीविका दीदी को इतना आगे बढ़ा है तो उनके नेतृत्व में ही जीविका दीदी बहुत आगे बढ़ेगी। तो जीविका दीदी को हम धन्यवाद देते हैं आपने जो मांग रखा है हमारे शोभा जी है देवी जी है महिला संगठन भी है तो सबको सबको